नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों की चैनल सिविल नोटबुक पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी पायर एंड पायर कैप को बनाने के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट चाहिए, ये हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके जरूर से ऑल सिलेक्ट कर लेना। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने एक पायर एंड पायर कैप का पिक्चर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है ये है पायर, और ऊपर की जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं पायर कैप। किसी भी ब्रिज के नीचे आप इस तरीके की स्ट्रक्चर को देख पाएंगे बड़े आसानी से। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, पायर जो होता है ये आपका सिलिंड्रिकल होता है। ओके, अगर आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर आप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, सपोज इसका डायमीटर है 1.1 मीटर। ओके, और ग्राउंड लेवल से इसका हाइट मैं ले लेता हूँ सपोज 5 मीटर। ओके, अब पायर कैप की पोर्शन को हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये मैं ले लेता हूँ 1.2 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये है 1.9 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1.9 मीटर, और ये डिस्टेंस है 0.5 मीटर। ओके, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 1.5 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना है, ये भी है 1.5 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी है 1.5 मीटर। ओके, तो अब हम लोग पहले पायर की वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और फिर हम लोग पायर कैप की वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पायर की वॉल्यूम हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं V1। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और इसको हम लोग कह सकते हैं पाई बाई 4 D² इंटू एच। तो यहाँ पर देखिए डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर हम लोगों ने कितना लिया है 1.1 मीटर। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस फॉर्मूला को यूज करूँगा। तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 1.1² इंटू एच, हम लोगों ने कितना लिया है यहाँ पर 5 मीटर। ओके, तो 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जो पायर है इसका वॉल्यूम लगभग आ जाएगा 4.75 m³। ओके, अब हम लोग पायर कैप की वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग पायर कैप की जो फेस है इसका एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये है पायर कैप की फेस। ओके, तो इसका एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद अगर मैं इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 मीटर, इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पायर कैप की वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए पायर कैप कुछ इस तरीके का है। ओके, और यहाँ पर देखिए दो हिस्सा है, ऊपर हम लोग एक रेक्टेंगल ले लेंगे और बॉटम में एक ट्रापीजियम है। ओके, सो फ्रेंड्स रेक्टेंगल का एरिया हम लोग ले लेते हैं सपोज A1, और जो ट्रापीजियम है इसका एरिया हम लोग ले लेते हैं A2। तो पहले हम लोग रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है 1.9 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 1.2 मीटर, और यहाँ से इसका डिस्टेंस है फिर से 1.9 मीटर। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग ऐड कर देंगे 1.9 + 1.2 + 1.9, इसके साथ 0.5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा 5 × 0.5, मतलब 2.5 m². ओके, तो रेक्टेंगल पोर्शन का एरिया हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब ट्रापीजियम का एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला आ जाएगा हाफ इंटू, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पैरेलल आर्म्स है इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये है 5 और नीचे का पोर्शन है 1.2, इसको हम लोग ऐड कर देंगे और इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना निकल के आएगा, तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा 1.55 मीटर स्क्वायर। तो देखिए इस फेस का एरिया कितना निकलेगा, ए इक्वल टू ए वन प्लस ए टू समान 2.5 प्लस 1.55, तो ये आ जाएगा 4.05 मीटर स्क्वायर। ओके, अब ए के साथ अगर मैं विद 1.5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 6.075 मीटर क्यूब। ओके, तो पायर कैप के लिए इतना कंक्रीट लगेगा, तो टोटल कितना कंक्रीट लगेगा, सो V1 प्लस V2, तो V1 यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.75 और V2 है 6.075, तो ये आ जाएगा 10.825 m³। तो टोटल इतना वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट लगेगा इस पायर एंड पायर कैप को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप बड़े आसानी से किसी पायर एंड पायर कैप को बनाने के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट चाहिए आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।